सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप ईवे बिल को अपडेट करेंगे मल्टी व्हीकल्स के अंदर। हाँ जी दोस्तों, जब आप एक ईवे बिल का माल एक या एक से अधिक गाड़ी के अंदर ले जाते हैं तो अब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ईवे बिल का मल्टी व्हीकल का ऑप्शन होता है। मल्टी व्हीकल का ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ पर गुड्स की मूवमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ। मेरा नाम है सूर्य राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चले शुरू करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, क्या करना होगा, यहाँ से जाना होगा आपको ईवे बिल में। देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज टू मल्टी व्हीकल, इस पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट के अंदर, दिस ऑप्शन विल अलाउ टू मूव द गुड्स इन मल्टी व्हीकल फॉर द सिलेक्टेड ईवे बिल। एक पर्टिकुलर एक ईवे बिल के लिए आप मल्टी व्हीकल्स के अंदर माल रख रहे हैं, सपोज दैट एक ईवे बिल का माल दो या तीन से अधिक गाड़ी के अंदर है, तो उस केस में तीनों गाड़ियों का जो नंबर है वो डाल के आप इस गुड्स को मूव कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, उस कंडीशन को ध्यान रखेंगे जो अपनी आगे वाली लाइन में बोलता है, द टोटल क्वांटिटी टू बी मूव्ड इन ऑल व्हीकल कैन नॉट एक्सीड क्वांटिटी मेंशन इन दिस फॉर्म। अब जो टोटल क्वांटिटी मूव होएगा, मतलब कि आप सपोज दैट तीन गाड़ियों के अंदर माल रख लिया आपने और तीनों गाड़ियों का जो वजन है या तीनों गाड़ियों के अंदर जो माल है वो 2000 किलो है, आपके ईवी व्हील के अंदर 1500 किलो है, तो आप मूव नहीं कर पाएंगे। आपको तीनों गाड़ियों के अंदर जो माल रखना होगा वो रखना होगा 1500 किलो, मतलब गाड़ियों का माल और आपके ईवी व्हील का माल बराबर होना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ईवी व्हील का जो ये फॉर्म है या ये जो गुड्स की मूवमेंट है वो वैलिड नहीं होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डाल लेंगे ईवी व्हील नंबर, यहाँ से मैंने ये डाल लिया ईवी व्हील नंबर, और उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख सकता है यहाँ पे लास्ट में कोने में, ये देखिए यहाँ पे लिखा है डू यू विश टू मूव द गुड्स इन मल्टी व्हीकल। अब क्या करना है आपको, यहाँ से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करना है, जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड है, रेल है, एयर है, शिप है, किस तरह। तो यहाँ से मैंने ले लिया रोड। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरनी होगी, जैसे फ्रॉम प्लेस, कहाँ से जा रहा है ये मेल, टू प्लेस, तो कहाँ पे जा रहा है ये माल, ठीक, कहाँ से जा रहा है ये माल और कहाँ पे जा रहा है माल, ये उसका लास्ट पॉइंट जो है प्लेस ऑफ सप्लाई वो लिखना होगा आपको, टोटल क्वांटिटी कितनी है, यूनिट क्या है, रीज़न क्या है। रीज़न के अंदर बता देता हूँ मैं आपको, ये जो आप मल्टी व्हीकल का ऑप्शन यूज़ कर रहे हो किस वजह से यूज़ कर रहे हो, ब्रेक डाउन की वजह से, ट्रांसशिपमेंट की वजह से, या अदर्स, जो भी है वो आप रीज़न ले लेंगे यहाँ पे, ठीक। मैं बता देता हूँ होता क्या है, यहाँ पे ब्रेक डाउन का भी ऑप्शन इसलिए है क्योंकि मान लो सपोज दैट आपने एक ईवी व्हील जनरेट किया, ठीक, अब वो 1500 किलो माल है या 2000 किलो माल है, वो बड़ी गाड़ी के अंदर है, बड़ी गाड़ी क्या होगी, ब्रेक डाउन हो गया, ख़राब होगी रास्ते में, अब आपने क्या काम किया, छोटी छोटी दो गाड़ियों में या तीन गाड़ियों के अंदर लोड कर दिया, तो उस केस में आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन लेने के बाद फ्रॉम प्लेस जो है वो आ गया यूपी, या पूरा नाम लिखना होगा यहाँ पर, ये ले लिया, और यहाँ पर ले लूँगा दिल्ली के अंदर जो माल जा रहा है, ये ले लिया, और टोटल क्वान्टिटी एक है, यहाँ पे यूनिट जो है वो नंबर्स में है, तो नंबर्स में ले लूँगा यहाँ पे नंबर्स, ये नंबर्स में ले लिया। रिमार्क में लिखना होगा ब्रेक डाउन की वजह से मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मल्टी व्हीकल का ऑप्शन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। सबमिट पे क्लिक करूँगा, देन देख सकते हैं कि जो है सबमिट जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, अब सबमिट हाइड हो गया। अब ये कह रहा है कि आपने जैसे आफ्टर द सबमिशन एंटर द व्हीकल डिटेल इन पार्ट बी, अब जैसे ही आपने ये सबमिट कर दिया अब आप पार्ट बी के अंदर जो डिटेल्स है वो जाके भर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं पार्ट बी को। तो मैं आपको आज ये भी बता देता हूँ कि पार्ट बी कैसे भरना होता है। तो यहाँ पे आ गए दोस्तों, अब आपको पार्ट बी भरना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट पार्ट बी व्हीकल डिटेल्स। अब आपको ओनली यहाँ ईवे व्हील नंबर लिखना होगा, जैसे मैंने ईवे व्हील नंबर मैंने लिख लिया, और यहाँ से कर दिया गो पे क्लिक, ठीक। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा जहाँ आप माल भेज रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप ले लिया मैंने, अब यहाँ पे जो व्हीकल डाल दिया आपको, सपोज दैट आपको कोई दूसरा व्हीकल डालना है यहाँ पे, तो जो व्हीकल डालना है उस व्हीकल की डिटेल लिख लेंगे, जैसे मैं व्हीकल नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे DL। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ले लिया व्हीकल नंबर 2540, ठीक है, गाड़ी नंबर ये आ गया। आपको आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट लिखना होगा, अगर कोई ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट है तो वो लिख देंगे, और उसके बाद क्वांटिटी मेंशन करना होगा व्हीकल के अंदर। अब इस व्हीकल के अंदर जो क्वांटिटी है वो कितनी है वो आपको मेंशन करना होगा। अब जैसे इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो 0.NOSS है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कर दिया यहाँ से सबमिट। सो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने सबमिट कर दिया यहाँ पे दो गाड़ियों के अंदर माल आ गया, ठीक, ये वाली गाड़ी आ गई, ये वाली गाड़ी आ गई।
और आप चाहते हैं कि और किसी व्हीकल का अपडेट करना चाहते हैं या और एक और व्हीकल इसके अंदर डालना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक और व्हीकल भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें गए, फिर से वही प्रोसेस सेम फॉलो करेंगे, अपडेट पार्ट बी में जाएंगे और यहाँ से ईवीविल नंबर लिखेंगे। जैसे ही आपने ये लिखा, गो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से, और न्यू एंट्री पे क्लिक से करेंगे और यहाँ से व्हीकल नंबर लिख लेंगे। यहाँ से ले लेता हूँ मैं DL, देख सकते हैं दोस्तों मैंने गाड़ी नंबर ले लिया, ठीक। अब डॉक्यूमेंट नंबर है, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट जैसे LR नंबर, ये सब चीज़ें ले लेंगे अगर है तो कोई। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले लूँगा, जैसे मैंने 0.5 ले लिया था यहाँ पे, अब बच गया मेरे पास 0.5, तो 0.5 NOS यहाँ पे बच गया, तो ये ले लिया मैंने। सबमिट पे क्लिक करूँगा, देन देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जितने व्हीकल के अंदर माल है उस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने ला पाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।